नमस्कार, आप देख रहे हैं दी घंटा पर। मैं हूँ नेहा। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आज। अरे आप खुश नहीं है? मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस वक्त का पूरा देश टकटकी लगाकर इंतजार कर रहा था वो घड़ी अब आ गई है। देश के सभी न्यूज चैनल सुबह सुबह यही दिखा रहे थे और खुशी के मारे झूम झूम कर सबको कह रहे थे कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में सबको फ्री में कोरोना की वैक्सीन मिलेगी। उस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये साफ कर दिया है कि जो कोरोना की वैक्सीन देश भर में लोगों को लगाई जाएगी उसके लिए किसी को कोई पैसे नहीं खर्चने होंगे, यानी कि वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त लगाई जाएगी। देश भर में कोरोना का वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री में किया जाएगा, ये साफ किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। आपको बता दें, आज पूरे देश में 250 से ज्यादा सेंटर्स पर ट्रायल किया जा रहा है, ड्राई रन किया जा रहा है कि किस तरह से वैक्सीनेशन होगा वैक्सीन के आने के बाद। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह साफ कर दिया है कि वैक्सीनेशन बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा, पूरे देश में कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल फ्री मिलेगी। आपको बता दें, सरकार को विपक्ष भी लगातार निशाने पर लेता रहा वैक्सीन की कीमत को लेकर, और लगातार सवाल लोगों के मन में भी ये रहे कि जब वैक्सीन आएगी तो आखिर उसकी कितनी कीमत किसी को देनी होगी, क्योंकि अलग अलग कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं, सबने अपने अपने हिसाब से उसके जो दाम है वो तय किए हुए हैं। ऐसे में तमाम सवाल लोगों के मन में थे, लेकिन अब सभी सवालों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विराम लगा दिया है। उन्होंने बयान दिया है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वैक्सीन पूरे देश में बिल्कुल फ्री मिलेगी, किसी को भी वैक्सीनेशन के लिए कोई पैसे नहीं खर्चने होंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद ही इनका एक और स्टेटमेंट और ट्वीट पिंग करके उभर कर सामने आया। वैक्सीन जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए या उन्हें कीमत देनी पड़ेगी? या दिल्ली में जाते फ्री है? आपको बड़ी खबर दे दे, देखिए फ्री वैक्सीन को लेकर सरकार की तरफ से सफाई दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर कहा है कि फ्री वैक्सीन सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर हैं। ऐसे लोगों की संख्या करीब 3 करोड़ है। बाकी के लोगों को वैक्सीन कैसे लगेगी इस पर जुलाई तक फैसला होगा, अभी इस पर फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उन लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। ऐसे करीब 3 करोड़ लोग हैं, और ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से ट्वीट करके दी गई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि फ्री वैक्सीन सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर हैं। ऐसे लोगों की संख्या देश भर में करीब 3 करोड़ है, और बाकी के लोगों को वैक्सीन कैसे लगेगी इस पर जुलाई तक फैसला होगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल दी घंटा को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से जाकर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको पता चल सके और आप ऐसे ही घंटा वीडियो से अपडेटेड होते रहे। शुक्रिया।